साथियों गौर से देखिए, ये है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के एक अवैध होटल को जमींदोज करने आए एडीएम सिटी आलोक वर्मा को अचानक इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ध्वस्तीकरण का विरोध करने वाले होटल मालिक को जोरदार टक्कर दे मारा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सबसे पहले देखिए एडीएम साहब होटल संचालक के चेहरे पर कैसे मार रहे हैं सर से टक्कर। एडीएम हो सारे, तुम्हारी औकात चपरासी के बराबर है। एडीएम हो के तुम हाथ चला रहे हो, क्योंकि 25 होटल टोटल बीजेपी वालों का है, औकात नहीं है किसी एक कर्म हाथ में। बता दी कि 27 जुलाई शनिवार को जब वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम के साथ एडीएम सिटी आलोक वर्मा बुद्ध विहार कॉलोनी के अवैध होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को जमींदोज करने पहुंचे तो होटल संचालक के बेटे खुर्शीद आलम के विरोध के चलते साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उनके मुंह पर खून निकलने लगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद होटल मालिक और उनके परिजनों ने बीडीए की कार्रवाई के खिलाफ खुद को मुसलमान बताकर जमकर विरोध किया। वीडियो वायरल होते ही कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि योगी सरकार में इस अधिकारी को गुस्से में सांड वाली टक्कर मारने की जरूरत क्यों पड़ी। वाराणसी एडीएम सिटी हेड शॉट के नाम से वायरल हो रहे वीडियो पर सपा नेता अखिलेश यादव ने तंज किया कि बीजेपी सरकार इन्हें कौन सा मेडल देगी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।